नमस्कार बच्चों, कक्षा 10 एक्सरसाइज 6.4 का पहला प्रश्न हम करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, मान लीजिए त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज डीईएफ के और इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर हैं। यदि ईएफ बराबर है 15.4 सेंटीमीटर के तो बीसी ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी हमें दिया गया है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ हमें दिया है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, ईएफ हमें पता है 15.4 सेंटीमीटर। तो हमने अभी एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि यदि दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। इसका मतलब है एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ यह किसके बराबर होगा? संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर। देखो संगत भुजाएं ई एफ के संगत भुजा होगी बी सी, तो BC बटा EF संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। इसे हम हल करेंगे तो हमारे पास BC आ जाएगा। आइए देखते हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC कितना है? 64। तो इसकी जगह मैं लिख दूंगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर बटा DEF का एरिया कितना है? 121 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर BC। BC हमें नहीं पता बटा EF, EF कितना है? 15.4 सेंटीमीटर, इन दोनों का होल स्क्वायर के बराबर। अब देखो बच्चों ध्यान से, यहां पर ही हम सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर काट देते हैं तो ये खत्म हो गए। अब 64 किसका स्क्वायर है? 8 8 64 और 121 किसका स्क्वायर है? 11 का। तो इसका मतलब 64 बटा 121 को मैं लिख सकता हूं 8 बटा 11 का होल स्क्वायर और यहां पर है BC बराबर बटा 15.4 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। एक बार फिर से स्क्वायर से ये स्क्वायर कट जाएगा। हमारे पास बाकी क्या बच जाएगा बच्चों? 8 बटा 11 बराबर BC बटा 15.4, इनको हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा BC, ये गुना होगा ऐसे ना, ये क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे होता है, BC गुना हो जाएगा 11 से और 15.4 सेंटीमीटर गुना हो जाएगा 8 से। अगले स्टेप में BC बराबर होगा 15.4 सेंटीमीटर गुना 8 बटे 11। अब बच्चों ध्यान से देखना, यदि मैं यहां से ये एक दशमलव हटा दूं तो इसके नीचे लग जाता है एक, और दशमलव के बाद क्योंकि एक अंक है इसलिए इसके पीछे लग जाएगा एक शून्य। अब इनको हम काटते हैं 11 और 154। देखिए 11 एकम 11, तो 11 एकम 11, 15 में से 11 निकाले 4, 4 और 4 हो गए 44, 11 चौके 44, इसका मतलब 11 गुना 14 होता है 154। अभी आ गया 14 गुना 8 बटा 10, इसे हम हल कर लेते हैं। देखिए 14 8 होता है 112, 14 8 112 बटा 10 साथ में है सेंटीमीटर। तो यहां से बच्चों BC किसके बराबर आ गया? 112 को 10 से भाग करेंगे, नीचे एक शून्य है तो राइट साइड से एक छोड़ के दशमलव लगा देंगे तो ये बन जाएगा 11.2 सेंटीमीटर। तो बच्चों यही हमारा प्रश्न था कि हमें BC का मान ज्ञात करना था और वह हमारे पास आ गया है 11.2 सेंटीमीटर। तो यही हमें BC ज्ञात करना था, BC हमने ज्ञात कर दिया 11.2 सेंटीमीटर। तो ये तो बहुत आसान था, हमने सिर्फ एक प्रॉपर्टी का हल यूज किया है। प्रॉपर्टी क्या थी बच्चों? कि यदि दो त्रिभुज आपस में समरूप होंगे तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात किसके बराबर होता है?
संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। इसी प्रॉपर्टी को यूज करके हमने बीसी की वैल्यू निकाली है। आशा करता हूं यह प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इस प्रश्नावली के बाकी प्रश्नों को समझने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वहां पर बाकी प्रश्नों के हल देख सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।